कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। कोरोना ने ऐसा हाहाकार मचाया कि बड़े बड़े अस्पतालों ने घुटने टेक दिए। इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइन है, पर मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में बेड नहीं है, और अगर कहीं बेड मिल भी गया तो ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी कमी से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन जिस ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के पसीने छूट गए, सरकारों की सांसें फूल गईं, पर ऐसे समय में इंसानियत ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस ऑक्सीजन का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सरकारों की थी, वो काम अब आम आदमी और पुलिस कर रही है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से इन मामलों के बारे में बताते हैं। पहला मामला दिल्ली का है, जब मनसाराम हॉस्पिटल में उस समय अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई, जब हॉस्पिटल में कोरोना के 35 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर राजेश डबास ने कई जगह से मदद मांगी, पर उन्हें मदद नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने दिल्ली सरकार को कॉल कर अपनी दास्तान बताई। फिर क्या था, हमेशा की तरह सतर्क और चौकन्नी दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई और सिर्फ आधे घंटे के भीतर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर पहुंचा दिए, जिससे 35 लोगों की जान बच गई। डायरेक्टर ऑफ मनसाराम हॉस्पिटल, हमारे यहाँ तकरीबन 35 के करीब कोविड पेशेंट एडमिट है और हमें ऑक्सीजन की काफी किल्लत हो रही थी पिछले 2-3 घंटे से, तो मैंने हर जगह हर एजेंसी को ट्राई किया, जिससे हमारी कॉन्टेक्ट का उनसे भी किया। कोरोना के इस खतरनाक दौर में पुलिस की दरियादली की ये इकलौती कहानी नहीं है। दूसरा मामला दयालपुर का है, जहां नसीर अहमद नाम के एक बुजुर्ग घर में अकेले थे, जिन्हें दवाइयों की जरूरत थी, पर लॉकडाउन के चलते दवाई लेने बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया और खबर पाते ही दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल दीपक और उनके साथी दरियादली दिखाते हुए बुजुर्ग के घर दवाई लेकर पहुंच गए। अगला मामला एमपी के मंदसौर जिले का है, जहां जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की खबर मिलते ही नहरू खान नाम के एक शख्स ने कमाल करते हुए अकेले अपने दम पर राजस्थान से 120 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरवाकर जिला अस्पताल को दे दिए। मैं मंदसौर का निवासी हूं, नहरू खान मैं हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे मंदसौर वासियों को कभी तकलीफ नहीं आनी। ये सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा जो होती है एक बहुत बड़ी सेवा होती है, और यहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये हमने हमारे छोटी सादड़ी में है वसीम भाई करके, उनसे बात करिए और हमारे कलेक्टर साहब के आदेश से और तहसीलदार साहब ने हम गए यहाँ से और सिलेंडर भरवा के वहाँ से लेके आए। ये सरकारी हॉस्पिटल के सिलेंडर है। मदद मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है, लेकिन नहरू खान की मदद से फिलहाल अब यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सिलेंडर की व्यवस्था नहरू भाई के द्वारा की जा रही है, ये सराहनीय है। अभी 30 सिलेंडर सुबह इनके द्वारा दिए गए हैं, 20 सिलेंडर अभी आए हैं और 70 सिलेंडर और रिफिलिंग के लिए नहरू भाई लेके गए हैं। महामारी के ऐसे दौर में इंसानियत की ये मिसाल वाकई कमाल है, लेकिन सवाल ये है कि जब आम आदमी मदद के लिए आगे आ रहा है तो सरकारें क्या कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।